फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलेट या गवर्न करने के लिए सेंट्रल बैंक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल स्पेशल पर्पज़ इंटरमीडियरी क्वाए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ रीजनल और वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो भी किसी इकोनॉमी में ऑपरेट रहा है काम कर रहा है उसको रेगुलेट करते हैं और उसमें वी हैव दिस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स विच इज़ इन सिचुएटेड इन बेजल स्विट्ज़रलैंड जो कि इस्टे इस्टेब्लिश हुआ है और उसका काम क्या है कि तमाम दुनिया में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें या बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जाए सो देर इज़ दिस बीआईएस जो कि बेज़ल एकॉर्ड्स बेजल वन बेज़ल टू इस तरह के रेगुलेशन बना के डिफ़ाइन uh, करता है कि तमाम तर दुनिया में जितने भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं वो ये रेगुलेशंस को फॉलो करें और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन रेगुलेशंस को बनाने के लिए या अपडेट करने के वास्ते वेलफेयर ऑफ़ द सोसाइटी कि जी किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर या उनको सहूलत पहुँचाई जाए तो उसमें यूनिफॉर्मिटी uh, या स्टैंडर्डाइजेशन को मेनटेन करने के लिए बी काम करता है बी के अलावा वी हैव टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं और अगैन उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से फैसिलिटेट करें कि वहाँ के उन मुल्कों के जिन जिन मुल्कों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये फैसिलिटेट करने जा रहे हैं उन मुल्कों के लोगों को आसानी पहुँचे फैसिलिटेशन मिले और वो इकोनॉमीज़ या कंट्रीज़ एक्सपैंड करें डेवलप करें उनमें एक इंस्टीट्यूशन है आई पाकिस्तान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता कि वो हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो हमारे ऊपर कंडीशंस लगाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए बिजली का रेट ऊपर करना चाहिए पेट्रोल का रेट ऊपर करना चाहिए लेकिन अगर देखा जाए कि उनका मैनिफेस्टो क्या है या वो कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करती है तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बेसिकली हेल्प करती है लोगों कोई भी इकोनॉमीज़ को फाइनेशल उसके जो एरिया में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने के वास्ते

बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव जिसके तहत आईएमएफ ऑपरेट करती है द ऑब्जेक्टिव इज टू मॉनिटर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस इन ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ सो वो आपके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं सो इफ़ देर इज अ कंट्री जो कोई इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो दे कैन सीक द हेल्प ऑफ आई फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ डेफिसिट uh, चल रहा था कंटिनसली और हमें काफ़ी सारे uh, किस्ते देने के लिए पैसे दरकार थे तो हमारी हुकूमत ऑफ़न रीच आउट करती है टू तो आई और उनको बोलती है आके हमारी मदद करें और नेचुरली जब हम हमारा जो कैपेसिटी है टू तो रीपे वो ऊपर नहीं हुआ होता तो वो रिस्ट्रिक वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाते हैं कि हम आपको फिर से मनी नहीं देंगे और हमारे मजबूर करने पे हमारे डिफरेंट तरह के प्रमेसरी जो रिसोर्स हैं कि हम हमारे पास पोटेंशल है वी कैन परफॉर्म नाइस और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसकी बेसिस के ऊपर हम आपको रीपे कर सकते हैं ये मनी तो वो हमें काफ़ी टाइट कंडीशंस के ऊपर कोई फाइनेंशियल uh, हेल्प के लिए राज़ी हो जाते हैं सो so, uh, इस ए, सिर एक तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना उसकी मदद करना के अलावा आई एम एफ़ ऑल्सो प्रोवाइड्स द टेक्निकल असटेंस कि आपके आपने देखा होगा अक्सर आईएमएफ की टीमें आती हैं वो आपको आपकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन कैपेसिटी या आपका जो पोटेंशियल है फ़र्दर रीपे करने का पोटेंशियल या ज़्यादा पैसा कमाने का पोटेंशियल उसको कैसे अनहस किया जाता है उसमें वो आपको टेक्निकल असटेंस प्रोवाइड करते हैं देन वी हैव दिस अनदर रोल ऑफ आई कि वो इट इस्टेबलिश द रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस तो आई डेवलप करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बोरोइंग और लैंडिंग जो हो रही है उसको क्या रूल्स उस क्या रूल्स रेगुलेट करेंगे उस इंटरनेशनल ट्रेड को वो ये भी ये चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं ये चीज़ को भी रेगुलेट करते हैं और अगेन हमने देखा है कि वन दे सी के देर इज़ दिस डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री जिनके पास इकोनॉमिकल सिचुएशन इज नॉट गुड या फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ नॉट गुड तो दे हेल्प देम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट्स और रिड्यूस देयर इम्पोर्ट्स तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली वो आपके पॉलिसीज डिफाइन करके देते हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस एंड देन दे आल्सो हेल्प्स इट आल्सो आईएमएफ आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग और डेवलपिंग द लॉज दैट गवर्न द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फाइनेंसिस फ्राम वन कंट्री टू अन सो ये भी उनका प्ररोगेटिव है उनका डोमेन है नेक्स्ट Uh, आपके जो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा वो आपको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं देर आर दिस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंसल्टेशंस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फिर वो आपको uh, जहाँ देखने को मिल रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंबैलेंसेस चल रहे हैं तो दे मे इंक्रीज द टाइम पीरियड जिसमें आपको आप रीपे करते हैं बाई लुकिंग एट ओवरऑल सिचुएशन कंट्री इज़ गोइंग थ्रू In terms of its economic movements or economic situation or the financial situation, so they try to uh, correct the imbalances by taking the money from one country and giving the that money to another country overall situation jo hai wo, uh, achhi ho globally ya, jo bhi developing countries hai, ya less developed countries hai, unke, jo overall situation hai, unke paas hai, financially constrained. Hai, तो वो जो डेवलप नेशनज हैं या जहाँ ज़्यादा पैसा है वहाँ से वो कैश इनफ्लोज को रेगुलेट करते हैं उधर लोन के फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में वो आपको बैलेंसेस uh, को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को वो फंड करते हैं फाइनेंस करते हैं पर्टिकुलरली व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर इस्टेबलिश इन द डेवलपिंग कंट्रीज अगैन द ऑब्जेक्टिव इज

तो वहाँ सिचुएशन बहुत बुरे हैं एज कंपेयर टू वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिधर जो इकोनॉमिकली दे आर वेरी साउंड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड और पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द कंट्रीज विच आर लेबल्ड एज द डेवलपिंग कंट्रीज तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ़ इस्टेब्लिशिंग आई बी आर डी और वर्ल्ड बैंक वॉज टू हेल्प द पुअर कंट्रीज और द डेवलप कंट्रीज इन ऑर्डर टू एंड टू डिवेल्प और टू रिहेबिलटेट दमसेल्व सो देट दे डू इज़ दे विल फंड यू इन फाइनेंशियल टर्म्स टू इस्टैब्लिश एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और चूँकि हमें पता है कि जितने भी डिवेलपिंग कंट्रीज होते हैं वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड हैं उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो वहाँ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे काम कैसा कैसे आ, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके लिए पैसे चाहिए तो वर्ल्ड बैंक आपको उसके लिए पैसे फाइनेंशली हैल्प करती है नेक्स्ट वो uh, कैसे वो मनी को जनरेट करती है अगैन थ्रू सेलिंग बॉन्ड्स तो वो बॉन्ड्स बनाएगी और वो डेवलप कंट्रीज में जाके बॉन्ड्स को सेल करती है वहाँ से मनी जनरेट करती है और डेवलपिंग कंट्रीज में जाके डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो मनी को इन्वेस्ट करती है ताकि uh, वहाँ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इन्हेंस हो वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो और जो भी उनके उन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में से जो मनी डेवलप मनी जनरेट होगी वो आप रीपे करेंगे साथ में सूट डाल के या इंटरेस्ट रेट को डाल के आप वापस डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो मनी पहुंचा देते हैं तो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड बैंक ऑपरेट्स एंड द बेसिक पर्पस ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू हेल्प द पुअर फाइनेंशियली हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज बाय जस्ट जनरेटिंग फंड्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज एंड बाई मैनेजिंग दैम इन ऑर्डर टू Make the two types of countries uh, to bring them at par. So, this is what uh, the objective of the World Bank is.